दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कहीं हैरान कर देने वाली चीज सामने आ रही है। गुजरात से एक ट्रेलर पर 5,500 किलो का ध्वज दंड अयोध्या पहुंच गया है, जो इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको एक ट्रक के अंदर लाया गया है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा गुजरात से 500 किलो का नगाड़ा पहुंचा है, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। 24 किलो का एक घंटा पहुंचा है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मंदिर के अंदर बजाया जाएगा। आखिर इतने बड़े घंटे को कारीगरों ने कैसे बनाया था। इसके अलावा 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात से अयोध्या पहुंची है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी बनाकर तैयार किया गया है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1100 किलो का दीपक भी बनाकर गुजरात से अयोध्या भेजा है। दोस्तों, ये सभी चीज इतनी ज्यादा अलग कि लोग दूर दूर से देखने को भी पहुंच रहे हैं, और होगा भी क्यों नहीं। करीब 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर में ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसकी अयोध्या से लेकर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले राम मंदिर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुद पीएम मोदी के आने के कारण तैयारियों को भव्य रूप दिया जा रहा है। देश भर के प्रतिष्ठित लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या आने और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। वीवीआईपी के आगमन के कारण उस दिन 50 से ज्यादा छापर और 100 से ज्यादा विमान यहां पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। आम लोगों को परेशानी न हो, इसलिए उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने की अपील की गई है। दोस्तों, जिस नगाढ़े की वीडियो की शुरुआत में बात की थी, उसके बारे में आपको बताते हैं। इस नगाढ़े को बनाने वाले डनबर समाज के 4 लोग श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसे मंदिर में बजाएंगे। इस नगाढ़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। 500 किलो के इस भव्य नगाढ़े में लोहे और तांबे का इस्तेमाल हुआ है, ताकि नगाढ़े को हजारों वर्षों की उम्र दी जा सके। ये नगाड़ा गुजरात से MP होते हुए अयोध्या पहुंचा है। 22 जनवरी को और उसके बाद इसकी गूंज श्री राम मंदिर में सुनी जा सकेगी। मगर जिस घंटे को राम मंदिर में ले जाया गया है, उसको बजाने के बाद उसकी धुन को 2 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े अड़े घंटे को आखिर बनाया किसने है। बताया जा रहा है कि एटा के कारीगरों ने इस घंटी को बनाया है, जो वजन में करीब 24 किलो भारी है। घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से ये घंटा अयोध्या पहुंचा है। अष्ट धातु के इस घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ में अयोध्या लाए हैं। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया। इस घंटे की आवाज शांत माहौल में करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों, श्री राम मंदिर को महकाने के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी धूप बत्ती अयोध्या ले जाई जा रही है। भरतपुर से होते हुए आगरा के फतेहपुर सीकरी और किरावली पर यह धूप बत्ती पहुंची। इसके पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में लोग हाईवे पर पहुंच गए और धूप बत्ती को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वडोदरा से शुरू हुआ सफर धूप बत्ती की शोभा यात्रा में बदल गया है, जिसका वजन 3,110 किलो है, जो इतनी ज्यादा बड़ी है कि बहुत संख्या में लोग सड़कों पर इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार कारीगरों ने इस पर 6 महीने काम किया, तब जाकर यह धूप बत्ती बनकर तैयार हुई है, जिसे गुजरात के वडोदरा में बनाया गया है। इसे बनाने में कई प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि यह 1.5 महीने तक लगातार ऐसे ही जलती रहेगी, और यह भी कहा जा रहा है कि इसकी सुगंध कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वह गुजरात से अयोध्या पहुंच ध्वज दंड है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वज दंड सोमवार को अयोध्या पहुंच गया है। यह ध्वज दंड राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगाया जाएगा। 44 फीट का ध्वज दंड जमीन से 220 फीट ऊंचाई पर लहराएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज दंड में धर्म ध्वजा लगाएंगे। अहमदाबाद की अंबिका इंजीनियरिंग कंपनी ने 9 महीने में इस ध्वज दंड को तैयार किया है।
इसके अलावा दोस्तों, नेपाल से अयोध्या एक बहुत बड़ा काफिला पहुंचा है, जिसके अंदर करीब 3,000 उपहार अयोध्या पहुंचे। नेपाल के जनकपुर में मां सीता की जन्मभूमि से भगवान राम के लिए 3,000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। चांदी के खड़ाऊं, आभूषण और कपड़ों सहित तमाम उपहारों को इस सप्ताह जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में अयोध्या लाया गया। इसके अलावा दोस्तों, राम मंदिर के लिए स्पेशल घड़ी भी डिजाइन की गई है। लखनऊ स्थित एक सब्जी विक्रेता ने विशेष रूप से एक ऐसी घड़ी डिजाइन की है जो एक ही समय में 8 देशों का समय बताती है। राम मंदिर के अंदर जितनी भी चीजें पहुंची है वह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मंदिर के लिए ताला और चाबी पहुंचे हैं, जिसकी साइज जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अलीगढ़ के ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फीट ऊंचे, 4.6 फीट चौड़े, 9.5 इंच मोटे और 400 किलोग्राम वजनी ताला चाबी तैयार किया है। उन्होंने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी है। मैंने इसे राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया है, ताकि इसे मंदिर में प्रतीकात्मक ताले के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने 5,000 अमेरिकी हीरे और 2 किलो चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक हार बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में डिजाइन पूरा किया है। इस हार को राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, 1100 किलो का दीपक तैयार किया गया है। वडोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक तैयार किया है। इसकी क्षमता 851 किलोग्राम घी की है। दीपक पंचधातु यानी सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा से बना है। और दोस्तों, ये सब चीज देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को सिथर एकड़ भूमि में बनाया जा रहा है। यहाँ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। मंदिर के उद्घाटन में अब बहुत ही कम समय बचा है। यहाँ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को देश भर के 121 पंडित संपन्न करेंगे। इसके साथ ही 2 मंडप और 9 हवन कुंड तैयार हो रहे हैं। प्रत्येक हवन कुंड से खास महत्व और उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए देश के 3 प्रसिद्ध मूर्तिकारों को बुलाया गया था। इन तीनों मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियों में से सिर्फ एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। दरअसल यह सब कुछ राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर भगवान श्री राम की कौन सी मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में रखी जानी है। बाद में भगवान की उसी मूर्ति की पूजा की जाएगी। दोस्तों, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज कैसे वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।